सो हेलो हेलो हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी? आई होप यू ऑल ऑफ यू गुड वेल। सो आज के लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं अपना हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। जब भी हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं, प्रोग्रामिंग का एक हमारा एक मेन कॉन्सेप्ट आपका होता है कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एनालाइज करना, अंडरस्टैंड करना। तो आपका पाइथन भी क्या है? पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमने पाइथन का बेसिक सा कॉन्सेप्ट में इंट्रोडक्शन का हमने लेक्चर लिया था आज से काफ़ी पहले, तो वहाँ डिस्कस किया था कि लाइक सी और सी प्लस प्लस आपका जावा की तरह आपका एक पाइथन भी क्या आपका है जो ऊप को कॉन्सेप्ट को सपोर्ट करती है। जिस तरीके से आपके पाइथन प्रोग्रामिंग को एनालाइज करना, उसके कोड इजी है, सिंटेक्स इजी है, उसको पढ़ना इजी था, उस तरीके से आपके पाइथन के अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज क्या आपका होता है, उसका कॉन्सेप्ट, लॉजिक, एप्लीकेशन अप्लाई करना भी आपके लिए ईजी होगा। तो चलिए आज से अपनी कहानी को स्टार्ट करते हैं किसके हेल्प से, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन द पाइथन के अंदर। अब मुझे उम्मीद है कि आप इस लेक्चर को इंजॉय करेंगे, अच्छे से एनालाइज करेंगे, समझेंगे। सो बेसिकली अगर मैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बात करूँ, तो आप रियल लाइफ में आपने सुना क्लास, क्लास छोड़ लो, अब यहाँ पर बात करते हैं क्लास ऑब्जेक्ट की। अब क्लास ऑब्जेक्ट अपने माइंड से निकाल दो। हम समझते हैं बेसिकली कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जब आपने ग्रामर के अंदर पढ़ा होगा या आप रियल लाइफ पढ़ते हो। अगर मेरा कंप्यूटर साइंस एक सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? उसका ऑब्जेक्ट आपका होता है वेब डेवलपमेंट, आपका होता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर, होता है आपका ना, और क्या होता है गेमिंग डेवलपर, होता है आपका डेस्कटॉप ऐप। तो एवरीथिंग अगर एक सब्जेक्ट है तो उसका पार्टिकुलर ऑब्जेक्ट भी होता है। सिमिलर आपका अगर मैथ्स अगर आपका एक सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? कैलकुलेशन, इंटीग्रेशन, डिफरेंटिएशन, आपका प्रॉब्लम को सॉल्व करना है ना, एडिशन, एवरीथिंग इज अ लॉजिक, सॉल्व द मैथमेटिक प्रॉब्लम, दिस इज द योर ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से कंप्यूटर साइंस के अंदर आपके प्रोग्रामिंग क्या है, अगर एक सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? प्रॉब्लम को सॉल्व करना, एनालाइज करना, इंप्लीमेंट करना, ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से जो आपका सब्जेक्ट नाम का वर्ड है ना, जो ग्रामर के अंदर आया, वही सब्जेक्ट को हमने प्रोग्रामिंग के अंदर रखा हुआ है क्लास, और ऑब्जेक्ट यहाँ भी आपका वही होता है। ठीक है, क्या बोला है कि जो ग्रामर में हम पढ़ते हैं, जो इंग्लिश में पढ़ते हैं, अदर चीज़ें में पढ़ते हैं कि सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट का नाम यहाँ पे क्या आपका होगा? क्लास। उसी को हमने यहाँ पे क्लास नाम दिया है, और वो जो हम प्रोग्रामिंग करते हैं इंप्लीमेंट करते हैं। कोई प्रोग्रामिंग हो, क्लास ऑब्जेक्ट हर एक प्रोग्रामिंग होता है, और वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करती है। तो सो मैंने कुछ कंटेंट पे लिखे हुए हैं, वो आपको मैं एक्सप्लेन कर दूँ, द नीचे आऊँगा। तो पाइथन इज ऑल्सो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, और वी सी डैट, हम जानते हैं कि एवरीथिंग इन द पाइथन के अंदर क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है, लाइक उसके प्रॉपर्टी से मैटर। हमने आप पे कितने पैकेज मॉड्यूल इंस्टॉल किए हमने, है ना, यूज किए, तो वी सी डैट कि एवरीथिंग इन द पाइथन इज ऑब्जेक्ट। जैसे हमने डिस्कस किए हुए अपने स्ट्रिंग के फंक्शन, है ना, मैथ की फंक्शन, एवरीथिंग। आपने बहुत चीज़ें पढ़ी, हम एक एक फंक्शन डिफाइन करते हैं, उसके वैल्यू तो आपका एक ऑब्जेक्ट की फॉर्म में ही आपका यूज होता है इन द पाइथन के अंदर। और एक क्लास इज लाइक, क्लास जो आपका है, जैसे आपका है सब्जेक्ट, क्लास इज लाइक एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के कंस्ट्रक्टर, ब्लू प्रिंट ऑफ क्रिएट ऑब्जेक्ट। जो आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे उसका एक ब्लू प्रिंट होता है क्लास। क्लास के अंदर बहुत सारी हमारी प्रॉपर्टीज होगी, बहुत सारी आपकी मेथड होगा, बहुत सारे आपकी वेरिएबल को डिक्लेयर करेंगे, बहुत सारे फंक्शन को डिक्लेयर, उसको हम उस क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से उसको हम प्रिंट करा पाते हैं, कॉल करा पाते हैं। कैसे करते हैं, चलिए उसको जरा मैं नीचे आपको एक्सप्लेन करता हूँ इस पिक्चर की हेल्प से। चलिए थोड़ी कहानी को समझते हैं। देखो आपको एग्जाम्पल दिख रहा होगा, क्लास, क्लास क्या है? अगर हम जब भी अपने पाइथन के अंदर बात कर रहे हैं तो पाइथन में क्लास नाम का आपका एक क्या है, कीवर्ड होगा, जिस क्लास की हेल्प से आप एक क्लास को डिफाइन करोगे। और याद रखना, हमेशा जब भी आप कोई क्लास नेम को डिफाइन करते हो पाइथन में, तो मैं आपको अब आपको एडवाइस दूंगा कि उस फाइल का नाम भी आप एक ऐसा कैपिटल लेटर रखो जिसके अंदर जो क्लास का नेम डिफाइन करते हो उस फाइल का नाम भी आप उस क्लास के हेल्प नाम से ही रखा करो। ये मेरा आपसे एक एडवाइज है सेशन। और हमेशा आपका क्लास का नेम क्या होगा, फर्स्ट लेटर हमेशा क्या आपका होना चाहिए, कैपिटल लेटर से होना चाहिए। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में आप क्लास डिफाइन करते हो, क्लास का नेम हमेशा क्या आपका होगा, फर्स्ट लेटर एज अ कैपिटल होगा। आप चाहो तो इस फाइल का नाम भी आप उस जो क्लास का नाम रखा है वही आप रखते हो। तो अब स्टूडेंट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ भाई, सिंपल से उसका एक नेम हो जाता है, उसका एक रोल नंबर होता है, तो रोल नंबर सेट कर दो, नेम सेट कर दो, प्रिंट कर दो। ऐसे उसकी और भी होती है ना, उसकी फंक्शनलिटी, उसका कलर होता है। तो अभी ये आप बेसिक एग्जाम्पल ये कि अगर एक स्टूडेंट एक क्लास है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या होगा, उसका ऑब्जेक्ट उसका भाई स्टूडेंट का एक नाम होगा, उसका एक रोल नंबर होगा, उसका एक सब्जेक्ट होगा, उसका एक एड्रेस होगा।
तो बहुत सारी पर्सनैलिटी आपके होती है, इसी को बोलते हैं ये आपका क्या है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट। और इस ऑब्जेक्ट को हम एक अपने रियल लाइफ अपने मेथड प्रॉपर्टीज की हेल्प से हम डिफाइन करते हैं। तो अभी हमने बात करी नहीं है कि व्हाट इज द मेथड, व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। हमने जब फंक्शन को हमने डिक्लेयर करना सीखा था पाइथन के अंदर, तो वहाँ डिस्कस करा था कि एक्चुअल में वेरिएबल जो नेम जो आपका होता है वो आपको एक तरह से आपका एक क्या है प्रॉपर्टी से मेथड है। आपका जो आप फंक्शन नेम जो आपका क्या है प्रॉपर्टी से मेथड है, मैंने वो भी आपको लिखे हुए हैं, आपको मूवी में चाहो तो स्प्रिंट नीचे करता हूँ। अब बड़े ध्यान से उसी को आप देख लो और नोट कर रख लो। देखो लिखे हुए कि प्रॉपर्टीज नेम, हमेशा जब भी आप वेरिएबल नेम जो होता है ना उसको हम प्रॉपर्टीज के नाम से जानते हैं, जो आपका फंक्शन का नेम होता है उसको बोलते हैं मेथड के नेम से जानते हैं। क्या बोला मैंने कि जो आपका फंक्शन का नेम होता है, जब भी आप कोई फंक्शन डिफाइन करोगे, अब क्लास के अंदर भी हम बहुत सारे फंक्शनों को डिफाइन करेंगे ताकि एक फंक्शन के नाम अपना हम एक प्रोग्रामिंग को हम बाइंड कर देंगे। तो फंक्शन नेम इज द मेथड, वेरिएबल नेम इज द प्रॉपर्टीज। याद रखना है प्रॉपर्टी मतलब अच्छा मेरी प्रॉपर्टी है, वेरिएबल एक वेरिएबल राम श्याम मोहन ऐसे एक्स वाई जेड को नाम को बनाकर अपने अपनी प्रॉपर्टी खड़ी करी है। और मेथड क्या होगा भाई, मेथड है फंक्शन बनाया, उस फंक्शन के अंदर बहुत सारी चीज़ों को बाउंड कर दिया, तो मेरा एक हो गया मेथड। अच्छा ये मेरा मेथड है कि मुझे बिल्डिंग को ऐसे खड़ा करना है, ठीक है। तो ये आपके पहला आपका फिगर था। मैं आपको एक और जनरलाइज कराऊँ, जैसे लाइक आपका एक कार है, एक बहुत से आपके जो जो भी होते हैं ट्यूटोरियल जो होते हैं आपके प्रोग्राम जो पढ़ाते हैं वो बहुत से आपको कार का भी एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि कार से हमारी और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाती है। तो मुझे उम्मीद है यहाँ भी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अगर मान के चलूँ कि मेरा कार क्या है, क्लास है, क्लास मतलब कार का नाम, नाम क्या है क्लास है, ठीक है। अब सवाल है कि इसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ भाई, इसका ऑब्जेक्ट में देखा जाता है कार क्या होता है, कार आपके कैरमी कैमरो डिफरेंट टाइप्स के आपके कार होते हैं, ये आप पे क्या ऑब्जेक्ट है। लेकिन इसके प्रॉपर्टीज भी होंगे, इसके मेथड भी होंगे, तो इसका मतलब क्या होगा भाई, ईयर, ये मेक कब बना, इसका मॉडल, और क्या होता है इसका प्राइस होता है PRI प्राइस, और क्या होता है इसका होता है कलर। तो आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के उसकी प्रॉपर्टीज और मेथड हो सकते हैं जो हम अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से इसको हम कॉल कराएंगे। तो अगर एक कार एक सब्जेक्ट है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की उसकी, उसका कलर्स, उसकी लोगो, ये आपके सोनाटा है ना, कैब प्राइज हो गया, आपका बैंज हो गया, कैमरॉन हो गया, कैमरी, ये डिफरेंट टाइप्स के इसके क्या है ऑब्जेक्ट है। अगर कार एक सब्जेक्ट है उसका ऑब्जेक्ट क्या हुआ, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की डिवाइड करते हैं आपके। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मैं उसको एनालाइज कर रहा हूँ, वो भी देख लो। मेरे पास एक और एग्जाम्पल है, मैंने एनिमल लिया डॉग का। अभी डॉग से आपको और अच्छे से कॉन्सेप्ट मिलेगा एक्चुअल में हमारा क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। जब ये समझ जाओगे ना तो इम्प्लीमेंट करने में आपको टाइम और इजी मिलेगा। डॉग मैं मान के चल रहा हूँ मेरा डॉग क्या है क्लास का नेम है, क्या करोगे CL, यहाँ रखता हूँ CLASS क्लास, और डॉग का नाम क्या होगा फर्स्ट लेटर क्या होगा कैपिटल होगा, ठीक है कॉलन, जो हमारा पाइथन का नाम पढ़ते हैं। अब इसके अगर कार है तो इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है भाई, इसके अगर आपका बियर्ड जो प्रॉपर्टीज में होगा, साइज होता है इसका, एज होगा, इसका कलर होगा, है ना, और क्या होता है ईट क्या खाता है, स्लिप सिट रन, तो इतने तरह की इसकी क्या है इस डॉग की आपकी, आप इन तीनों फिगर्स में जो समझाए ना इनका मैं एक टाइम एग्जाम्पल आपको लेके बताने जा रहा हूँ। तो अभी मैं समझा रहा हूँ उसमें कि व्हाट इज द क्लास व्हाट इज द डॉट। अगर एक क्लास था इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज है, तो देखो बियर्ड में क्या आपका ये हो गया, साइज इसका ये हो गया, एज ये हो गया, एज हो गया फर्स्ट के लिए, चल मैंने सेकंड लिया, ये इसके ऑब्जेक्ट हैं। अगर डॉग है सब्जेक्ट, इसके ऑब्जेक्ट क्या है, इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आपके ऑब्जेक्ट होते हैं, एक क्लास के एक से ज़्यादा आपके ऑब्जेक्ट हो सकते हैं। तो अगर ये इसके प्रॉपर्टीज मेथड है तो ऑब्जेक्ट आपका डिपेंड करता है इस क्लास के प्रॉपर्टीज और मेथड को। तो बियर्ड साइज एज कलर हो गया फर्स्ट वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यू, मान लो इसका पहला ऑब्जेक्ट है, सेकेंड ऑब्जेक्ट क्या हुआ सेकेंड डॉग, इसका नाम क्या होगा भाई, ये आपका बियर्ड मेट्रिक्स होगा, साइज का स्मॉल है, एज ये है, एक इस क्लास का आपका थर्ड ऑब्जेक्ट होगा जो आपका थर्ड डॉग को रिमेंबर रहा है, तो बियर्ड साइज एज 3। तो ये तीनों आपके क्या है ऑब्जेक्ट है, जो तीन तीन तरह के आपके ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट क्या है, सभी ऑब्जेक्ट में आपके सेम ही टाइप्स के आपके प्रॉपर्टीज और मेथड होंगे, उससे हम एक्स्ट्रा हम प्रॉपर्टी मेथड को हम कॉल नहीं करा पाएंगे। हाँ इनमें से कुछ कम को हम कॉल करा पाएंगे, लेकिन हम सबको जितना आपने डिफाइन किया ना उस सबका आपका नीड है कि भाई आपने डिफाइन किया है तो उसको हम कॉल भी करें, ठीक है। यही मेरा कॉन्सेप्ट था यहाँ पे। अब आप किसी फिगर में देख लो, आप जैसे मेरे एग्जाम्पल में यहाँ देख लो, यहाँ भी क्या आपका है भाई, अगर ये क्लास एक कार था इसका ऑब्जेक्ट क्या है, इसके डिफरेंट मेटा इसके आपके ऑब्जेक्ट है, और इसकी क्या होगी प्रॉपर्टीज मेथड, या आपका ईयर मेक ऑब्जेक्ट आपका ब्रांड ऐसे आप प्राइस कलर आपका होता है, और क्या होता है सिमिलर। अगर एक स्टूडेंट क्या आपका है क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसके डिफरेंट टाइप्स के आपके होते हैं स्टूडेंट, मान लो सी इज अ स्टूडेंट, सी इज अ स्टूडेंट, ये आपके ऑब्जेक्ट है, और इसके नेम्स रोल नंबर सभी क्या इसके हैं प्रॉपर्टीज के नेम है, क्या आपके
सभी कैसे हैं प्रॉपर्टीज के नेम है। सो मुझे उम्मीद है कि अब आप इस क्लास ऑब्जेक्ट कॉन्सेप्ट को समझ गए हो कि व्हाट इज द प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टीज क्या होता है, वेरिएबल के नेम को बोलते हैं प्रॉपर्टीज, और मेथड को बोलते हैं हम फंक्शन के नेम को। चलिए एक एग्जांपल देख लेते हैं और देन बात कर लेते हैं, ठीक है। मैं लिखे भी हुए हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज ए एंटिटी डेट हैज एट्रीब्यूट्स एंड बिहेवियर। फॉर एग्जाम्पल के लिए बात करूँ तो स्टूडेंट इज ए ऑब्जेक्ट, एक स्टूडेंट क्या आपका एक ऑब्जेक्ट है। इट हैज, इसके पास एट्रीब्यूट्स में इसका नेम होगा, इसका एज होगा, इसका कलर होगा, बिहेवियर में इसकी डांसिंग करती है, सिंगिंग करती है, स्टडिंग करती है, ऐसे बहुत सारे इसके बिहेवियर हो सकते हैं। इसको हम बोलते हैं अपना एक मैथड, इस बिहेवियर को हम बोलते हैं मैथड। क्या बोलते हैं इसी को हम बोलते हैं मैथड, क्या बोलते हैं MET H मैथड बोलते हैं, जो हमारा बिहेवियर का काम कर रहा है। चलिए अब मैंने एक एग्जाम्पल लिया नॉर्मल से, तो मैं अपना फाइल क्रिएट कर रहा हूँ। फाइल का नाम क्या रखूँगा, फाइल का नाम रखूँगा माई सी एल ए क्लास डॉट पी वाई, ठीक है। जो मेरा क्लास का नाम होगा वही मेरा क्या फाइल का नाम होगा। अब यहाँ पे आपको माई क्लास, ठीक है, होंगे माई क्लास रख दिया, ठीक है। चलिए कॉल लगा दिया, जो क्लास का नाम रखना वही लगा दिया, इतना हो गया। अब मुझे करना क्या है इसके अंदर, जो अभी मैंने कॉपी किया है इसे पेस्ट कर दूंगा बस। अरे नहीं, क्या कर दिया मैंने, जो मेरा आज का PDF है, कंटेंट है, इसे मैं उठाऊंगा यहाँ से और अपने इस वाले पॉइंट को करूँगा। कॉपी करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ और यहाँ पे पेश करता हूँ। फिलहाल के लिए मैं अभी अपने इस पूरे फंक्शन को हटाता हूँ, फिलहाल के लिए कट कर दो। अब ब्लैंक छोड़ दो, क्या ब्लैंक का प्रिंट करवा, नहीं। जब भी आता कोई भी, हम अपने किसी ब्लॉक ऑफ कोड को हम ब्लैंक नहीं छोड़ सकते पाइथन के अंदर। आपको एक पास कीवर्ड लिखना है, फाइल को रन करना है, जब फाइल को एग्जीक्यूट करोगे तो आपका आउटपुट में कुछ भी नहीं आएगा, प्रोग्राम चलेगा, क्योंकि क्लास को हमने एक तरह से डिफाइन कर दिया है। आउटपुट में यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आने वाला है। पाइथन क्लास चला माई क्लास डॉट पी वाई और देखो कुछ भी आउटपुट नहीं आया बिकॉज हमने पास कीवर्ड लगा दिया, ब्लैंक आपका है। चलिए इसे कमेंट करो और नीचे आ जाओ। अब मैंने क्या किया कि एक्स नाम का मेरा क्या है, ये एक्स क्या आपका है बताओ, दिस इज प्रॉपर्टीज PROPERTS, क्या है PROPERTS, क्या आपका है प्रॉपर्टीज है, ठीक है। और इस तरह से आपका एक फंक्शन भी हो गया। चलिए अब फंक्शन के अंदर मैंने कुछ राइट नहीं किया है तो पास कीवर्ड लिख दिया मैंने क्या लिख दिया है, मैं फंक्शन के अंदर टू राइट नहीं किया, मैं पास कीवर्ड मैंने लिख दिया है, ताकि मेरा क्या हो गया ये। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करूँगा, क्या काम करेगा, अभी भी आपको कुछ भी नहीं आएगा। जब तक आप एक क्लास का एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाओगे, उस ऑब्जेक्ट की वैल्यू को, उसकी प्रॉपर्टीज को, दिस इज प्रॉपर्टीज, दिस इज माई मेथड बिहेवियर, क्या था जो अभी मैंने पढ़ा ना, क्या पढ़ा, मेथड बिहेवियर, इसको प्रॉपर्टीज बोल लो या इसको एट्रीब्यूट्स बोलो, ATTRIBUT, एट्रीब्यूट्स बोल लो, और इसका नाम क्या देंगे हम, मेथड या बिहेवियर, ठीक है। एक ही बात है, कहाँ पहुँच गए हम, इसको हटाओ, अपने इस वाले चलते हैं, ठीक है ना। चलिए कुछ भी आउटपुट नहीं है, लेकिन अब सवाल है कि हम पाइथन के अंदर सभी प्रोग्रामिंग में आपका क्लास को डिफाइन करने का रूल वही होता है ब्लॉक के अंदर, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग में आपका क्लास का ऑब्जेक्ट को डिक्लेयर डिफाइन करने का कॉन्सेप्ट आपका सबका होता है डिफरेंट सिंटैक्स पे, लेकिन सभी प्रोग्रामिंग का आपका ऑब्जेक्ट और कॉन्सेप्ट आपका है सबका आपका सेम ही होता है। आप किसी उठते यहाँ पे मैं बाय डिफॉल्ट अब प्लान के लिए अब मेरा क्लास डिफाइंड है। चलिए यहाँ पे एक हैश लिखते हैं, क्रिएट ऑब्जेक्ट, क्रिएट माई क्लास ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट तो आप अपने अकॉर्डिंग आप ऑब्जेक्ट का नाम कुछ भी रख सकते हो। तो मैंने कहा कि OBJ, मैंने ऑब्जेक्ट का नाम OBJ रख दिया, OBJ रखा। अब जो आपके क्लास का नाम है ना, उसी नाम को यहाँ पे आप रखोगे, क्या रखोगे, माई क्लास, और इसको आपने बैग के अंदर कवर कर दिया। जैसे आपने OBJ इज कल टू, यह आपका एक नाम हो गया किसका, ऑब्जेक्ट का। इसके हेल्प से आप अपने क्लास के सारे प्रॉपर्टीज को और मेथड को अब रन करा पाओगे, कॉल करा पाओगे और प्रिंट करा पाओगे अपने इस प्रोग्राम के अंदर। सो अभी माय क्लास को हमने क्या किया, हमने राउंड ब्रैकेट से कवर कर दिया, इसका मतलब हमने इस क्लास को कॉल कर लिया है। और राउंड ब्रैकेट ये बोलते हैं कि इसके अंदर क्या है, इस क्लास के सारे प्रॉपर्टीज मेथड हैं इसके अंदर आपके कॉल हो चुके हैं। यह आपके ब्रैकेट जो है ये रिप्रेजेंट करता है कि इस क्लास के अंदर जितने ब्लॉक्स के अंदर आपके मेथड्स और प्रॉपर्टीज है वो सभी आपके इसके हेल्प से आपके कॉल हो जाएंगे। इसलिए इसको हमने राउंड ब्रैकेट से, जैसे हम फंक्शन को कॉल करते थे ना, जब फंक्शन को कॉल करते थे कैसे कॉल करते थे भाई, इस फंक्शन को जब कॉल करना हो तो लिखते थे माई अंडरस्कोर FEN फन लिखते थे और करते थे।
है ना। लेकिन यहाँ पे मुझे अब फंक्शन को कॉल नहीं करना है, अब मुझे क्लास के ऑब्जेक्ट की हेल्प से फंक्शन कॉल करना है कि नहीं है, इसको कमेंट करता हूँ ताकि याद रहे आपको। चलिए सो अब मेरा आ गया चुका है, सबसे पहले मुझे प्रिंट करना है, या तो आप किसी वेरिएबल में पास कर दो या डायरेक्टली आप प्रिंट कर दो, पी एंड प्रिंट क्या करोगे ओबीजे, ओबीजे का टारगेट और डॉट लगा दो। डॉट के अंदर आपको क्या करना है, आपको मुझे इस एक्स को, पहले मुझे इस प्रॉपर्टीज को मुझे प्रिंट करना था, एक्स पास कर दूंगा, फाइल को सेव करूंगा, तो डेफिनेटली आपके इस ऑब्जेक्ट की हेल्प से आपने इस एस को आपने यहाँ पे एग्जीक्यूट करा लिया है, कॉल करा लिया है। सो नाउ अगेन से इस टर्मिनल को जरा मैं स्क्रीन करता हूँ क्लियर, एक बार मैं स्क्रीन को करूँगा क्लियर, और जरा से इस वाले टर्मिनल को टॉप पे लेकर आता हूँ और फाइल को फिर से मैं करूँगा एग्जीक्यूट, और मैं आपको एक्चुअल दिखाऊंगा इसका आंसर आपका क्या आएगा। यही हमारा होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट, अभी तो ना बेसिकली है, नेक्स्ट वीडियो से बात करेंगे हम इसमें एडवांस कॉन्सेप्ट की, आज थोड़ा बेसिक ओवरव्यू लिया है कि व्हाट इज द। चलिए क्या आ गया आपका आंसर, आ गया 5 आ गया, ठीक है। तो अब आप क्या करते हो कि पहले क्या था कि अगर मुझे किसी फंक्शन को मुझे कॉल करके मैंने डिफाइन कर दिया, प्रिंट कर दिया, अब क्या है कि जब जब आपको नीड पड़ेगी इस वाले प्रॉपर्टी में देखो, तब तक आप उस ऑब्जेक्ट की हेल्प से एक बार कर लिया सारे कोड को लिख लिए, अब जहाँ जहाँ मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी मैं अपने ऑब्जेक्ट की हेल्प से उस फंक्शन के नेम को भी और क्लास के नेम को करूँगा। लेकिन जब हम स्पेशली फंक्शन पढ़ते हैं तो फंक्शन में मुझे कॉल करनी पड़ती है, जैसे कॉल कर दूंगा तो उसको हम भी रोक नहीं सकते, लेकिन यहाँ पे उसको हम रोक सकते हैं। जब जब मैं ये लिख दूंगा तब तक मेरी वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉल होगी, और जब मैं बंद कर दूंगा मेरी वैल्यू कॉल होना बंद हो जाएगा। ये मेरा कॉन्सेप्ट है, और ये ऑब्जेक्ट पढ़ने इसलिए पढ़ते हैं कि अपने कोड को हम एक बार लिखते और मल्टीपल टाइम को हम उसको रन करा सके, कॉल करा सके, एक पेज से किसी और पेज में हमने पढ़ा हुआ ना, किसी और पेज से भी हम किसी और फाइल को हम कैसे इंपोर्ट करते हैं और उसके ऐप से हम चीज़ों को उसको कॉल करा पाते हैं, ठीक है। क्या मैं इस फंक्शन को कॉल करता हूँ, जी हाँ मैं इस फंक्शन को भी कॉल करा पाऊंगा, प्रिंट ओ बी जे डॉट, क्या लिख दोगे आप, ओ बी जे डॉट। अब इस फंक्शन, इस आपका मेथड का नाम क्या है, इसका नाम है माई फन, क्या आपका नाम है माई फन, तो आपका माई फन लिख देंगे, जैसे माई फंड लिख दिया तो माई फंड को भी आपको बैग के अंदर रखना है, आप इसे कॉल कराओगे तो क्या आपका आउटपुट आएगा, 5 आएगा, यहाँ पे आपका आ गया एरर। अब सवाल है एरर क्या, पढ़ लो कि माई क्लास डॉट माई फंड टेक 0 पोजिशनल आर्ग्यूमेंट बट 1 वॉज गिवन। जब भी हम पाइथन के अंदर किसी फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं, इसके अंदर आपको एक बाई डिफॉल्ट सेल्फ नाम का आपका कीवर्ड होता है, कम से कम एक आपको पैरामीटर बाय डिफॉल्ट पास करनी ही पड़ती है। एस ई एल एफ सेल्फ यूज करते हैं हम प्लान के लिए, कैसे करते हैं एस ई एल एफ सेल्फ, ठीक है। अब मैं अगर इसे कॉल कराऊंगा तो आपका यहाँ पे काम कर जाना चाहिए, ये मुझे उम्मीद है, ठीक है। नॉन नॉन क्यों है, क्योंकि हमने इस फंक्शन के अंदर कुछ भी अब तक पास नहीं किया, क्योंकि पास की बोल दी, इसलिए अगर मैं एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पर अगर अब इस पास को कमेंट कर दूँ प्लान के लिए और यहाँ पर कुछ प्रिंट कर लूँ, पी आर एन टी प्रिंट हेलो हेलो क्लास, हेलो क्लास मेथड, ठीक है, हेलो क्लास एम ई टी मेथड लिख दूंगा, तो अब आपका ये वाला आपका जो है वैल्यू आपका प्रिंट होकर आएगा, देखना क्या आ गया हेलो क्लास मेथड। अब फिर आपका क्या आपका नॉन नॉन लिख के इसलिए आ रहा है बिकॉज इस सेल्फ की वेब से हमने कुछ भी चीज़ हमने प्रिंट नहीं की, अगर मैं इसको हटा भी दूंगा ना, अब एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस ब्लैंक को प्रिंट ना करूँ, मैं इसको बाई डिफॉल्ट खाली मैं डायरेक्टली कॉल करूँ, अब क्या होगा, चलो अब देखो हट गया वो, यहाँ पे हम प्रिंट कर रहे थे ना इसलिए वो आपको नॉन लिख के आ रहा था, यहाँ पे प्रिंट नहीं करना बिकॉज कि पाइथन के अंदर हम डेप के अंदर अपने चीज़ हम, और हाँ अगर यहाँ पे आप रिटर्न लिखते हो तब इसे प्रिंट कराओ, याद है कुछ कॉन्सेप्ट। अगर मैं इस वाले पूरे कोड को कॉपी करूँगा, चलिए इसको यहाँ से कर दूंगा, और अब क्यों मैं करूँगा इसको रिटर्न, क्या करूँगा आर ई रिटर्न करूँगा आर ई टी यू आर एन, ठीक है। चलिए अब तो इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए, अब देखो अब क्या आपका लॉजिक होगा, अपना एरर समझो कुछ भी आउटपुट नहीं आया बिकॉज क्योंकि हमने इसको प्रिंट ही नहीं किया। अब मुझे अगर से प्रिंट करूंगा तो अब आपका क्या होगा पी आर एन टी प्रिंट, अब आपका इसका आउटपुट देगा। ये आपके डिफरेंट थे आपके केस पे कि सेल्फ आपका एक बाय डिफॉल्ट आपका कीवर्ड है जो आपको लिखनी पड़ेगी। अब मैं यहाँ से अगर सेल्फ को हटा दूंगा तो क्या ये काम करेगा, जी बिल्कुल ही काम करेगा, ये आपका बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला। हाँ आप यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कम से कम आपको एक पैरामीटर पास तो करनी पड़ेगी बाय डिफॉल्ट जो हम पाइथन के अंदर पास करते हैं कंपेयर टू द जावा कंपेयर टू द सी प्लस प्लस, ठीक है। और आपका पीएचपी आपका स्क्रिप्टिंग वहाँ वहाँ भी उससे कम होता है, लेकिन ये पाइथन एक खास लैंग्वेज है जहाँ के अंदर आपका बाय डिफॉल्ट एक आपका जो है 1 पैरामीटर होता है, तो इसको हम सेल्फ मान लेते हैं।
हम सर कुछ लिखते हैं कि खुद का है, सेल्फ नाम, इसलिए जब भी आप पाइथन में पढ़ते हो तो हर जगह आपको सेल्फ दिखता है, सेल्फ, क्योंकि सेल्फ जो है खुद का अपना बाई डिफॉल्ट एक पैरामीटर होता है। जब आगे हम पढ़ेंगे पैरामीटर तो इसके बाद काम को आगे पास करेंगे, सेल्फ अपना एक बाई डिफॉल्ट होगा। जब भी आप फंक्शन क्रिएट करो क्लास के अंदर तो आप सेल्फ जरूर देना, तभी आप रिटर्न करो, जो भी आप चीज़ें करोगे वो आपका होगा, ठीक है। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस पॉइंट को, लॉजिक को समझ गए कि आज हमने क्या कवर किया। सो इस वीडियो को लाइक कर देना और क्लास अपडेट कहानी स्टार्ट होगी आज से, तो वीडियो को शेयर कर दो अपने हर फ्रेंड के पास, तो कल से हम पढ़ेंगे अपने आगे वाली चीज़ों को, कैसे हमारा इसका मेथड काम करता है, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ेंगे, मेथड ओवरराइडिंग पढ़ेंगे, हम बहुत चीज़ें पढ़ने वाले हैं अपने स्टेप बाय स्टेप वीडियो के अंदर। सो मुझे उम्मीद है कि आप इस मेरे लेक्चर को इन्जॉय करेंगे और समझेंगे। सो मिलिए, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस, मीट यू नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट वीडियो।